हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? अच्छे से हो ना? आज हम स्कूल बेसिक असेसमेंट करेंगे। स्कूल बेसिक असेसमेंट यानी स्कूली सतह पर तशखीस। स्कूली सतह पर तशखीस एक ऐसा निजाम है जब पहले टीचर करता था असेसमेंट बच्चों की, यानी बच्चा लिखता था और टीचर उसके मार्क्स देता था, पास या फेल करता था। लेकिन आज स्कूली सतह पर तशखीस होती है कि किस बच्चे में पढ़ने में कितनी सलाहियत पैदा हुई है, उसको दर्ज किया जाता है, उसको और उसको नोट किया जाता है, लिखने में कैसा है, पढ़ने में कैसा है। तो आज हम यहां पर आपके सामने आपके जरिए ही स्कूली सतह की तशखीस करवाएंगे, आप खुद करोगे। इसमें क्या होता है कि बच्चा खुशी खुशी करता है और बच्चे को टीचर का कोई डर नहीं रहता है। ठीक है ना प्यारे बच्चों? यस सर। चलिए, हमारा एसबीए आज है तो जमात हमारी तीसरी है। क्या है? तीसरी। मजमून हमारा जो है उर्दू, और मौजू या उन्वान, मौजू या उन्वान हमारा क्या है? चिनार। क्या है? चिनार। यानी जो आज हम सबक पढ़ रहे हैं उसी की तशखीस करने वाले हैं। ठीक है ना? यस सर। आमोजिशी मा हासिल हो गया लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम हो गया कि बच्चे की सलाहियत कितनी उभर कर सामने आई है किताब पढ़कर या कोई लेसन पढ़कर। तो ये होता है लर्निंग आउटकम। देखो जी, हमने चिनार पढ़ लिया है, अब हमारा लर्निंग आउटकम क्या है, यानी आमोजिशी मा हासिल क्या है? तुलबा इबारत को रवानी से पढ़ते हैं। हमने यहां रखा है एक लर्निंग आउटकम, तुलबा यानी बच्चे तालिबे इल्म इबारत को रवानी से पढ़ते हैं एक। नंबर दो, बच्चे अल्फाज को पहचान कर पढ़ते हैं। देखो, एक वो गोटा याद नहीं रखना होता, अल्फाज को पहचान कर पढ़ना होता है। ठीक है ना? तो तीसरा, हमने बच्चे सही तलफ़ुज़ से इबारत पढ़ते हैं, तलफ़ुज़ सही है या नहीं है। तो प्यारे बच्चों, उसके बाद तरीका तशखीस हमारा है। तरीका तशखीस यानी किस तरीके से करेंगे, इसमें होता है ग्रुप असेसमेंट भी, इसमें होता है सेल्फ असेसमेंट भी, इसमें होता है पीयर असेसमेंट भी। तरीका तशखीस, हम मर्तबा तशखीस। क्या? हम मर्तबा तशखीस हो गया, आप अपने साथी की तशखीस करोगे, दूसरा साथी आपकी तशखीस करेगा। ठीक है ना? यस सर। उसको बोलते हैं पीयर असेसमेंट। क्या बोलते हैं? पीयर असेसमेंट। तो हमने यहां पर यही तरीका तशखीस चुना है, तो इसी के जरिए हम आगे बढ़ेंगे। आपको याद रहा ना, हम मर्तबा तशखीस यानी एक दूसरे की तशखीस करोगे, अपने साथी की तशखीस। आगे तशखीस हो गया, कौन सा हथियार, कौन सा सामान हम यूज करने वाले हैं, हम इस्तेमाल करने वाले हैं इस असेसमेंट को करने के दौरान। तो हमने क्या रखा है आलय तशखीस में? दर्जा बंदी हमने रखा है। क्या रखा? दर्जा बंदी। दर्जा बंदी हो गया, हम यहां देखेंगे कौन सा बच्चा किस दर्जे में आता है, किस लेवल पर आता है। समझ आ रही है बात? यस सर। जो ये आपके सामने टेबल है इसको दर्जाबंदी भी कहेंगे उर्दू में, और इंग्लिश में रूबरिक कहेंगे। क्या कहेंगे? रूबरिक। ओके। तो इसमें देखो क्या होता है, मैंने ये बनाकर रखा है आप लोगों के लिए, लेकिन तशखीस आप ही करोगे, तशखीस आप खुद करोगे एक दूसरे की। तो ये आपको समझाने के लिए मैं, और बाकी जम्मू कश्मीर के बच्चों को समझाने के लिए मैं ये बोर्ड पर जो इबारत लिखी है या जो ये लर्निंग, ये जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट का चार्ट बनाया है, ये आपको बनाना है, हर एक क्लास को खुद बनाना है। ये उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन पहले पहले असातिज़ा किराम को क्या करना चाहिए, पहले पहले बच्चों को सिखाने के लिए ये टेक्निक उनको दिखानी है, तरीका दिखाना है। देखो, दर्जाबंदी में सबसे पहले मयार या कसौटी, क्या रखेंगे हम मयार? देखो यहां पर एक खास बात यह है कि मयार में हम वो चीजें रखेंगे जिन चीजों को हमें चेक करना है, जिन चीजों की हमें तशखीस करनी है। ठीक है ना? तो मयार और लर्निंग आउटकम मिलना चाहिए हमारा, जो मयार है वो लर्निंग आउटकम के साथ मिलना चाहिए। सबसे पहले तुलबा इबारत को रवानी से पढ़ते हैं, यहां पर रखेंगे हम पढ़ने में रवानी, क्योंकि पहला लर्निंग आउटकम। दूसरा लर्निंग आउटकम, बच्चे अल्फाज को पहचान कर पढ़ते हैं, ये हमारा एलओ है, लर्निंग आउटकम है, बच्चा पढ़ता है। लेकिन अब हम उसको तशखीस करने वाले हैं, तो वो यहां पर करेंगे अल्फाज को पहचानते हैं, मयार में रखेंगे अल्फाज को पहचानते हैं। और तीसरा है बच्चे सही तलफ़ुज़ से पढ़ते हैं, इबारत पढ़ते हैं, यहां पर रखेंगे तीसरे नंबर पर सही तलफ़ुज़ से पढ़ता है या नहीं पढ़ता है। ठीक है ना? ये हो गया मयार, इसको हम अलग रखेंगे। अब नंबर एक, लेवल एक अच्छा है, अगर रुक रुक कर पढ़ता है, एक अल्फाज को रुकता है, दूसरे अल्फाज पर रुकता है, तीसरे अल्फाज पर रुकता है, वो उसका रोल नंबर या नाम आएगा यहां पर। लेवल नंबर टू बेहतर है,
क्या है? बेहतर में कौन आएगा? देखो आपको देखना है, एक दूसरे की जांच करनी है। अगर किसी बच्चे को कुछ अल्फाज में रवानी अच्छी है जबकि कुछ अल्फाज में रुकावट आती है तो वो उसका नंबर आएगा, यहाँ रोल नंबर आएगा या नाम आएगा। तो बेहतरीन वो बच्चा होगा आपकी नजर में, बेहतरीन वो बच्चा होगा जिसकी रवानी सबसे अच्छी होगी। तो यहाँ पर मैंने कुछ स्टार्स रखे हैं, जो लेवल वन है एक स्टार है आपकी खुशी के लिए, बेहतर में जो दो स्टार रखे हैं और बेहतरीन को तीन स्टार, ठीक है ना। हो गया पढ़ने में रवानी, ये अब अल्फाज को पहचानते हैं। अब आपको ये भी देखना है कि ये मेरा दोस्त पढ़ता है या घोटा याद रखा है, अल्फाज को पहचानता है या हाँ। तो यहाँ पर नहीं पहचान पाता है, आपको ये भी देखना है, अगर नहीं पहचानता है उसका नंबर यहाँ पर रखोगे। अगर बेशतर अल्फाज को पहचान कर पढ़ता है, अल्फाज को पढ़ता है पहचान कर, तो नस्ब को या नस्ब को नहीं तो यहां रखना है उसका रोल नंबर। अगर सब अल्फाज को पहचान कर पढ़ता है तो उसका नंबर यहां पर तीन स्टार वाले कॉलम में आएगा। इसी तरह से सही तलफ्फुज से पढ़ता है, तलफ्फुज सही पढ़ता है या नहीं, अगर गिरे हुए पते हैं, अगर उसने पढ़ा गरा हुआ तो तलफ्फुज क्या है उसका? गलत है। तो सही तलफ्फुज से पढ़ता है या नहीं, तलफ्फुज दुरुस्त नहीं है यहां पर आएगा। बेशतर अल्फाज सही तलफ्फुज से अदा करता है यहां आएगा। सब अल्फाज सही तलफ्फुज से अदा करता है यहां पर आएगा। ये समझ आया आपको? अब हम तशखीस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा आदिल और शाहिद को, तो दोनों उठेंगे और दोनों सामने आएंगे। चलो देखो शाहिद, सबसे पहले आपको नजर रखनी है पढ़ने में रवानी कैसी आपके दोस्त की है। रवानी आपको पता है ना, तेज पढ़ना, ठीक पढ़ना, अगर रुक रुक कर पढ़ेगा तो यहां, अगर ठीक पढ़ेगा कुछ अल्फाज में रुकेगा कुछ नहीं तो यहां, अगर सब में पढ़ेगा तो यहां, ठीक है ना। ये लो आप मार्कर हाथ में और इसका सुन लो। लोग चुना के गिरे हुए सुरुपत को हिलाकर कोयले बनाते हैं, ये कोयले सर्दी में कामनी में डाले जाते हैं, हम चुनार के छाव में बैठकर धूप और गर्मी से बच सकते हैं, चुनारों से हमारे बागों की रौनक बढ़ गई है, हमारी सड़कें सायादार बन गई है, सयाहों के लिए इस दरख्त में बड़ी कशिश है, चुनार हवा को साफ रखने में मदद देता है। इसका रोल नंबर 6 है ना आपके दोस्त का। रुक रुक कर पढ़ता था या नहीं पढ़ता था या रवानी अच्छी थी, कहां पर लगेगा इसका नंबर? रोल नंबर 6 आपने लगाया यहां बेहतरीन में, क्यों लगाया आपने? रुक रुक के नहीं पढ़ा, रवानी अच्छी थी, अल्फाज की पहचान ठीक थी या नहीं थी, कहां पर लगेगा? जरा लगा। तलफ्फुज़ कैसा था? जरा देव कहां लगेगा? वेरी गुड, यानी ये बेहतरीन बच्चा है ना। अब आपकी तशखीस ये करेगा, पढ़ो आप। लोग चुनार के गिरे हुए सुरुपत को जलाकर कोयले बनाते हैं, ये कोयले सर्दियों में कमरे में डाले जाते हैं, हम चुनार की छाव में बैठकर धूप और गर्मी से बचते हैं, चुनारों से हमारे बागों की रौनक बढ़ गई है, हमारे सर के सायेदार बन गई है, सायेदार रूप के लिए इस दरख्त में बड़ी कशिश है, चुनार हवा को साफ रखने में मदद देता है। तो यहाँ क्या, ये क्या है? ये देखो है, सयादार नहीं है, क्या पढ़ा? सया, तलफ्फुज़ ठीक नहीं है ना, ठीक है ना, यहाँ पर तलफ्फुज़ थोड़ा कुछ अल्फाज में गलत है जो आपको लगेगा। अल्फाज को पहचानता था या नहीं? पहचानता था। चलो लगा कहाँ आएगा, यानी आपने देखा अल्फाज को पहचानता था, बेहतरीन में लिखा, ठीक है। अब सही तलफ्फुज़ से पढ़ता था या नहीं, तलफ्फुज़ कैसा था इसका? थोड़ा, ठीक है आपने जांच की, कौन सा अल्फाज गलत किया इसने? इसने ये बोला सायदारों के लिए। जोर से बोलो, क्या बोला? सायदारों के लिए। सही अल्फाज क्या है? सयाहों के लिए। सयाहों के लिए, वेरी गुड, इनके लिए तालियां करो। देखो जी, रुक रुक कर कोई नहीं पढ़ता है इनमें से, कुछ अल्फाज रुक रुक कर पढ़ता है शाहिद वलमरमान, और सब अल्फाज को पहचान कर पढ़ता है, दोनों पढ़ते हैं अल्फाज को पहचान कर, ठीक है ना। शफायत उठेगा और जिक्रा उठेगी, आ जाओ इसको सुन लो आप, तलफ्फुज़ भी सुनना रवानी भी सुनना। लोग चिनार के गिरे हुए सुरुख पत्तों को जलाकर कोयले बनाते हैं, ये कोयले सर्दियों में कांगनों में डाले जाते हैं, हम चिनार की छाव में बैठकर धूप और गर्मी से बचते हैं, चिनारों से हमारे बागों की रौनक बढ़ गई है,
हम हमारी सड़कें साया द्वार बन गई है, सयाहों के लिए इस दरख्त में बड़ी कशिश है, चिनार हवा को साफ रखने में मदद देता है। अल्फाज को पहचानता है या नहीं, सही तलफ़ुज़ था या नहीं? अरे वाह, जिक्रा ने तो शफाए को बेहतरीन में डाल दिया है। रवानी भी ठीक, अल्फाज भी ठीक, पहचानता था, तलफ़ुज़ भी ठीक, यानी इसने शफाए को बेहतरीन कॉलम में डाल दिया है। वेरी गुड। अब कहेगी जिक्रा, जोर से पढ़ो। लोग चिनार के गिरे हुए सुरुख पत्तों को जलाकर कोयले बनाते हैं। जोर से पढ़ो। कोयले सर्दियों में कंघियों में डाले जाते हैं। हम चिनार की छाँव में बैठकर धूप और गर्मी से बचते हैं। चिनारों से हमारी बालों की रौनक बढ़ जाती है। बढ़ जाती नहीं है, बढ़ती है, बढ़ती है। हमारी सड़कें सायादार, सड़की नहीं सड़के, हमारी सड़कें सायादार बन गई हैं। सयाहों के लिए इस दरख्त में बड़ी कोशिश है, चिनार हवा को साफ रखने में देता है। वेरी गुड। इसने तो पढ़ लिया है, अब शफायत ने देख लिया है, अब तशखीस कर लो। पढ़ने में रवानी, अल्फाज को पहचानते थी या नहीं, सही तलफ़ुज से पढ़ती थी या नहीं? वेरी गुड, वेरी गुड। देखो बच्चों, जिक्रा ने पढ़ लिया और शफायत को लगा कि इसने सही तलफ़ुज से नहीं पढ़ा, कहीं कहीं इसने अल्फाज को गलत पढ़ा, तो इसने लगाया है नंबर टू में, बेहतर में इसको। बाकी ये जिक्रा रवानी में भी बेहतरीन में आई है, अल्फाज को पहचानती है, ये भी बेहतरीन में आई है। तो इस तरीके से स्कूल बेसिक असेसमेंट हमने किए है। आपको मजा आया? यस सर। आज हम मैंने आपकी मदद की है समझाने के लिए, तो यहाँ पर हमें ये पता चला इसको आगे ले जाने की कोशिश करनी है, और यहाँ पर हमें इन चार लड़कों में से कोई नहीं आया है, हमारे बेहतर और बेहतरीन में चारों लड़के और लड़कियां आई हैं, चारों स्टूडेंट हमें इन दो कॉलम में आए हैं। ठीक है ना? ठीक है। yes.